अभी मैं हूँ सिलीगुड़ी में। दोस्तों अभी हम हैं सिटी सेंटर सिलीगुड़ी में और डेकैथलॉन के शोरूम में। दोस्तों ये देखिए 60,000 का साइकिल, मैं तो पहली बार इतना महंगा साइकिल के बारे में सुन भी रहा हूँ और देख रहा हूँ। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो राइडर हैं, जो ट्रैवलर हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इनके लिए बिल्कुल जन्नत का सामान है ये। 8,000 का है, इसमें आप देखिए स्लीपिंग बेड भी है। वेलकम बैक टू राइड टू राइड। दोस्तों शाम के 6 बजे हैं और अभी मैं हूँ सिलीगुड़ी में और अभी हम यानी कि मैं, रूपम और अनाया जाने वाले हैं सिलीगुड़ी के दशहरा पर्व को सेलिब्रेट करने, इसे देखने कि कैसा महफिल सजा है, कैसा पंडाल बना है, कैसा मैया रानी का दरबार सजा है। तो चलते हैं और इंजॉय करते हैं सिलीगुड़ी के दशहरा पर्व को। तो बने रहिए राइड टू राइड के साथ, बहुत सारे बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं इस ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम हैं सिटी सेंटर सिलीगुड़ी में और डेकैथलॉन के शोरूम में और यहाँ पे हमें बहुत ही मोस्ट अवेटेड चीज़ मिल गई है, जो कि है ये हेलमेट बच्चे की साइज की। तो अनाया के लिए अब बहुत अच्छा हो गया, वैसे राइड खत्म होने के बाद हमें मिला है। नहीं नहीं, अभी तो राइड बचा हुआ है। तो काफ़ी परफेक्ट साइज, क्वालिटी भी अच्छा है और डेकैथलॉन का ट्रस्टेड ब्रांड भी है, तो बेटर है अनाया के लिए और सेफ्टी के लिए। और प्राइस है 799, 800 में ये ब्रांडेड ट्रस्टेड हेलमेट हम ले रहे हैं अभी अनाया के लिए। बाकी और भी चीज़ देखते हैं क्या क्या लिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिली साइकिल्स, और साइकिल्स में यहाँ 5,000 से लेकर 60,000 तक के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारे मॉडल और बहुत सारे फीचर वाले साइकिल हैं। मुझे तो उतना पता भी नहीं है सबके बारे में, और साइकिलिंग के रिलेटेड जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, ड्रेस होते हैं, वो सभी बहुत अच्छे प्राइस पे मिलने वाले हैं। तो आप देखिए इनमें से कौन सा साइकिल आपको पसंद आ रहा है, कौन सा साइकिल आपके बजट में आ रहा है, तो आप उसे ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन या फिर डेकैथलॉन के शोरूम से। बहुत सारे साइकिल अवेलेबल है, तो आपको कौन सा साइकिल सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये देखिए 60,000 का साइकिल, मैं तो पहली बार इतना महंगा साइकिल के बारे में सुन भी रहा हूँ और देख रहा हूँ। इतना महंगा साइकिल 60,000 का, इसमें क्या खास है, ये तो कभी चलाने का मौका मिले तभी पता चलेगा, बट देखने में नॉर्मल ही लग रही है। ये स्केटिंग शूज़ भी काफ़ी बढ़िया प्राइस रेंज पर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के। ये ड्रेसेस, ये जैकेट काफ़ी बेहतरीन प्राइस रेंज पे। ये स्लीपिंग बैग देखिए, ये शूज़ का कलेक्शन देखिए और प्राइस रेंज देखिएगा क्लोजली, तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा आपको। सभी का प्राइस जो प्राइस रेंज पे से रखा गया है, इसमें से मुझे एक बहुत पसंद आ रहा है, ये 1499 का है और इसे मैं ख़रीदने वाला हूँ। ये जैकेट्स देखिए 0 डिग्री पे पहनने वाला है, और प्राइस देखिए इतना बढ़िया जैकेट होने के बावजूद, यहीं पे -5 डिग्री वाला भी जैकेट है और वो 2499 का ही है। तो बहुत बेहतरीन प्राइस रेंज पे बहुत बेहतरीन ड्रेसेस अवेलेबल है। ये सब लुक वाइज देखिए राइडिंग के लिए पर्पज़ से भी बहुत बेहतरीन है। और ये बैग देखिए, बैकपैक 2999, 4,000 में, तो बहुत बेहतरीन प्राइस रेंज पे है ये सभी। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, और ले राइड से पहले एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए और यहाँ से शॉपिंग करना चाहिए। आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाएगा बहुत सही प्राइस में। तो मैं भी जब ले राइड करूँगा तो पक्का डेकैथलॉन से सामान खरीदूँगा, क्योंकि बहुत सही प्राइस में बहुत सही सामान है। और एक और अच्छी बात है कि डेकैथलॉन का शोरूम आपको इंडिया के बहुत सारे सिटी में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सभी बड़े सिटी में अवेलेबल है डेकैथलॉन का शोरूम, और अभी हम हैं सिलीगुड़ी डेकैथलॉन में। हमारा प्लान नहीं है कहीं जाने का, लेकिन ये सब देख के मन कर रहा है कि किसी ट्रिप पे निकल जाए हम लोग। अब देखिए ऑलरेडी हमारा बास्केट 70% फुल हो चुका है, तो अभी कुछ शॉपिंग नहीं करना था, बस ऐसे ही विजिट करना था, बट फिर भी हमने इतना शॉपिंग कर लिया है। तो मैंने ये शूज़ लिया है जो कि मैं राइडिंग पर्पज़ से यूज़ करूँगा। 1500 का है ये जूता, तो अभी ट्राई करके देखता हूँ साइज आ रहा है कि नहीं। आई थिंक अब वो थोड़ा छोटा होगा। परफेक्ट साइज, परफेक्ट।
एकदम परफेक्ट। सीरियसली तो ये मैं ले रहा हूँ राइडिंग पर्पज से, बट इसका लुक भी अच्छा लग रहा है, तो पता नहीं मैं बीच बीच में ही पहन लूँ इसे। दोस्तों वैसे तो बहुत कुछ है डेकैथलॉन में दिखलाने के लिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो राइडर हैं, जो ट्रैवलर हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इनके लिए बिल्कुल जन्नत के सामान है ये, क्योंकि आप यहाँ जब आएंगे तो आपको सामान इतना पसंद आएगा, वो भी इतने अच्छे प्राइस रेंज पे, तो आप मतलब सोचोगे कितना बढ़िया जगह है। वैसे मैं हर एक चीज़ को तो दिखला नहीं सकता इस वीडियो में, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो आप एक बार शॉप विज़िट कीजिए या इसके ऑनलाइन साइट पे विज़िट करके आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, मैंने अभी क्रॉस चेक किया तो लगभग हर एक चीज़ का सेम प्राइस ही है ऑनलाइन भी, बट क्वालिटी का मैं भरोसा नहीं दे सकता हूँ, आप एक बार मंगा के तब जस्ट कीजिए। वैसे हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत बेहतरीन है, आप कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेट करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। आप माउंटेनर हो, आप ट्रैकिंग पसंद करते हो, हर एक चीज़ के लिए आपके पास ढेर सारा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। 200 से भी सामान अवेलेबल है और 60-70 हज़ार तक के भी सामान हैं। यार मुझे ये टेंट इतना पसंद आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ, इसका क्वालिटी इतना बढ़िया है, इतना मस्त है। वैसे तो और भी बहुत सारे टेंट अवेलेबल हैं, बट उनका प्राइस ज़्यादा है, वो मेरे बजट के नहीं है। जैसे कि ये 8 हज़ार का है, इसमें आप देखिए स्लीपिंग बेड भी है, और इसके अलावा ये जो बगल में आपको दिख रहा है, इसमें केविन टाइप टेंट है। ऐसा टेंट तो मैं देखा भी नहीं था, जानता भी नहीं था केविन टाइप टेंट। तो अभी हमें सिटी सेंटर में ही, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो दुर्गा पूजा पंडाल घूमने का सारा प्लान हमारा लगता है फेल होने वाला है। कोई बात नहीं, सिटी सेंटर ही घूम के खुश हैं हम। दोस्तों रात के 10:30 बज रहे हैं और हम वापस होटल में आ गए हैं। बाहर अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश चल रही है, जिस कारण हमारा पूजा पंडाल घूमने का जो दिली इच्छा था वो दिल में ही रह गया। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से विजिट करने की कोशिश की जाएगी और पूजा पंडाल में घूमने की जो हमारी इच्छा है उसे पूरी की जाएगी। बट फिर भी शाम ख़राब नहीं हुआ और हमने डेकैथलॉन विजिट किया और बहुत सारे शॉपिंग किए, खासकर स्पेशली मेरे लिए और अनाया के लिए हुआ, रुकू के लिए कुछ खास हुआ नहीं शॉपिंग। और रुपू ही लेके गई थी जबरदस्ती, मैं इस ब्रांड के बारे में जानता भी नहीं था, और जब गया तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही बेहतरीन ऑफर में, बहुत बेहतरीन क्वालिटी में, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिले, और ऑनलाइन भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि 5K में कोई स्पॉन्सर करता नहीं है, मैंने सही में रियलाइज़ किया कि बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप एक बार विज़िट कीजिए, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो, अगर आप बाइकर है तो आप जरूर विजिट कीजिए, आप ट्रैवलर है तो आप जरूर विजिट कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा सामान, वो भी बहुत रिजनेबल प्राइस में। मैंने और 2-3 सामान पसंद किया है, जब कभी बजट उस हिसाब से होगा तो वो भी खरीदा जाएगा। जिसमें से सबसे बेहतरीन मुझे लगा एक टेंट जो कि 2499 रुपये का था। साइकिल सब भी बहुत बेहतरीन कलेक्शन, बहुत बेहतरीन, मतलब फुटबॉल जो भी चीज़ आप जो भी गेम पसंद करते हैं सारे चीज़ के लिए वहाँ पे आपके पास ढेर सारा ऑप्शन इन बजट। तो सबसे अच्छा इसका प्राइसिंग लगा, डिस्काउंट बहुत अच्छा, 399 में बहुत बेहतरीन टी शर्ट थे, 299 में भी बेहतरीन टी शर्ट थे अवेलेबल थे, तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, आप भी विजिट कीजिए। और वैसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो शॉपिंग करते होंगे, तो आप सब भी रिव्यू दीजिए आपको कैसा लगता है कॉमेंट में। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं फिर से एक और कमाल के एपिसोड में, जिसमें हमें कल ट्रैवल करना है सिलीगुड़ी से पूर्णिया के लिए। अगर मौसम साफ रहा तो बाइक से ही तीनों जाएंगे, और अगर फिर से बारिश का कंडीशन रहा तो रूपम और अनाया बस से जाएंगी निकलेंगी और मैं बाइक से निकलूंगा। तो देखते हैं कैसा रहता है कल का मौसम और कल क्या होने वाला है, ये तो कल पे ही छोड़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स।